यस योगेश पटेल जी बोलिए, अभी आपको क्या क्या समझ में आ गया, कहाँ कहाँ से लिस्ट आप बना सकते हो, जितने भी तरीके हमने जूम में भी बताए। बना सकते हैं, यूट्यूब भी बना सकते हैं जो इधर से। और मानो कि कोई किसी का सॉफ्ट होता है इधर दुकान पे, जो कार्ड कभी कभी विजिटिंग कार्ड देते हैं, तो इसको मालूम पड़ेगा कि इसके साथ पहले रिलेशन बनाना है, बाद में इसको समझाना, एक बार में तो तुरंत बिजनेस नहीं देना है किसी को। ओके अभी आपके पास कितने लोगों की लिस्ट रेडी है? मेल लिस्ट बनाया कल परसों सीतेर का था, आज 100 लोग का लिस्ट परफेक्ट बन गया है। ओके अभी लिस्ट बढ़ती रहेगी, खत्म तो नहीं होगी आपकी कभी? नहीं, ज्यादा बढ़ेगी, हंड्रेड चलिए वेरी गुड, परसेंट गुरु जी, बहुत आपका अच्छा, फॉलोअप 100% करूंगा पूरा ही। 2 साल दर्शन। जो चले गए हैं, 2 साल में मेरे को 2.5 लाख के पहुंचने का है मंथली। पहुंच जाएंगे आप, डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, गुड, आपका पक्का 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 पक्का। यस सरोज मैम, नमस्कार सर। नमस्कार। सर कल हमने देखा कि हम व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे लिस्ट बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से हम नंबर ले सकते हैं, वहां से हम नए नए रिलेशन बिल्ड करके लोगों से लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद के अंदर जैसे ये है अपना फेसबुक, तो हम फेसबुक से ले सकते हैं, सर्च पे जाकर के, जो भी सर्च है मैट्रिमोनियल उसमें जाकर के, और सर्च करेंगे तो बहुत सारे हम जिस भी ग्रुप में इंटरेस्टेड हूँ वहां ज्वाइन होकर के उसको उसमें मतलब रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आ सकते हैं, फिर उनसे रिलेशन बिल्ड करके और हम अपनी लिस्ट कंटिन्यू मतलब आगे से आगे बढ़ा सकते हैं, निरंतर बढ़ती जा सकती है। बाकी ओके हम जब कभी किसी से मिलते हैं कि हमारी 3 फीट की दूरी के अंदर अगर कोई पर्सन आ चुका है तो उससे हमारे ऐसे रिलेशन बिल्ड हो जाए कि हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आदान प्रदान हो जाए, तो हम उस तरीके से भी अपनी लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं और रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। और पहले उनसे हमें रिलेशन बिल्ड करना है, उसके बाद के अंदर हम अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हैं, और बिजनेस से भी ज्यादा हम प्रोडक्ट के थ्रू भी उनके मतलब उनसे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट भी शेयर करके। ओके तो फेसबुक से लिस्ट जी बनाना आ सर, गया, बना सकते हो अभी फेसबुक जी से सर, आप, जी सर, अभी बिल्कुल लिस्ट की प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी आपके पास। बिल्कुल नहीं रहेगी सर। चलिए वेरी गुड, तो अभी कितने लोगों की लिस्ट रेडी है आपके पास? सर मेरे पास में 350 लोगों की लिस्ट रेडी है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बस आप इसको बढ़ाते रहिए, इसको अपडेट करते रहिएगा। जी सर, चलिए गुड, यस नेक्स्ट बंटी गुर्जर जी। गुड मॉर्निंग सर। सर यस वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने सीखा था सर फेसबुक के जरिए कैसे हम लोगों की लिस्ट बनाते हैं। सर मुझे पता ही नहीं था कि मैट्रिमोनियल ग्रुप होते हैं या नहीं होते, लेकिन कल आपने बताया तो मैं मालूम चला, उसमें तो पूरा बायोडाटा क्लियर रहता है, बिल्कुल नंबर वगैरह सब कुछ रहता है। और बाकी सर 3 फीट वाला फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें भी जैसे हमारे 3 फीट के दायरे में कोई व्यक्ति आता है तो हमारे अंदर वो गुण एक हमको लाना है कि उसका कॉन्टेक्ट नंबर हम ला सकते, कैसे लाना है, कैसे उससे बात करनी है, कैसे रिलेशन, कैसे उसकी बड़ाई करनी है कि भाई सच्ची बड़ाई करनी है उसकी, झूठी नहीं। जी हमें जो भी उसका अच्छा लगा, यार स्टाइल है, ड्रेसअप है, उसका बात करने का तरीका है, उसी चीज़ की हमें बड़ाई करनी है और उसी बड़ाई के जरिए हमें उससे रिलेशन बनाना है। दूसरा सर हमारा यह है कि जिस व्यक्ति को हम ज्वाइन करा रहे हैं, नए व्यक्ति को, मान लो उसको बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि वो 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद चला जाए, तो उससे पहले हमें उससे 100 लोगों की लिस्ट लेके रखनी है, तो वो लिस्ट हमारे बाद में काम आएगी सर। ऐसे भी लिस्ट बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी हम लिस्ट बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा लोगों को पहले हम छोड़ देते थे, पता नहीं था ये कौन है क्या है, उसको हम डिलीट कर देते ग्रुप को, भाई ग्रुप समझ में नहीं आ रहा, हमारे समझ से बाहर है, तो उसको ग्रुप को हटा दिया उसको। उसमें हजारों लोग जुड़े थे लेकिन हमें पता नहीं था कैसे क्या करना है, लेकिन सर आपने बताया कल कि उसमें से आपको नंबर लेना, नंबर लेके रिलेशन बनाना, धीरे धीरे करके गुड मॉर्निंग हेलो हाय करके उससे अपने रिलेशन बन जाएंगे, तो सर वो भी अपने काम आने वाला है। थैंक जी यू सर। वेरी गुड, कितने लोगों की लिस्ट रेडी है आपके पास अभी? सर अभी 150 लोगों की लिस्ट है मेरे पास। तो अब ये बढ़ती रहेगी, हाँ सर बिल्कुल बढ़ती रहेगी सर। लिस्ट की कभी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि लिस्ट खत्म हो नहीं गई? नहीं सर, नहीं, कभी कभी कम खत्म नहीं होगी सर।
वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक बहुत बड़ा एक मेजर रीजन जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं, वो रीजन आप लोगों का खत्म हो गया है। ये जो लिस्ट वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, लोग यही सोचते रहते हैं किसको प्लान दिखाना है, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं किसको प्लान दिखाऊं, मैं किसको कॉल करूं, ये चलता रहता है। यस श्रद्धा मौर्य मैम, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार नमस्कार सर। मैम, गुड मॉर्निंग। सर कल तो आपने बहुत बढ़िया मीन्स व्हाट्सएप का तो हम लोग को मालूम था कि ग्रुप से अगर लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन फेसबुक का जो था वो बहुत ही बढ़िया था कि डॉक्टर, फिर आपने आयुर्वेदिक लोगों से, टीचर लोगों से, ऐसा फेसबुक पे, और बहुत सारे फेसबुक पे फ्रेंड होते हैं, तो फेसबुक से अपन लोग बहुत बड़ी लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं हो सकेगी, ऐसा आपने सिखाया था, बहुत ही बढ़िया था। और ग्रुप वाइज भी सर बहुत अच्छा बन सकता है, कभी भी अपनी लिस्ट खत्म नहीं होगी। फिर अपने वो बस ट्रेन में अपन लोग जाएंगे तो प्रेम से अगर किसी को बैठने को जगह देंगे और उसे दोस्ती बढ़ाएंगे तो भी अपनी लिस्ट बहुत बढ़िया बन सकते हैं, मगर फेसबुक से तो बहुत ही बढ़िया बन सकते हैं सर। और सर मेरी तो 400 लोगों की लिस्ट तो अभी तक बनाई है, और पहली सर मेरी 150 लोगों की थी। और बिल्कुल सर मैंने अपने मीन्स गांव के लोगों का अलग अलग मीन्स सिटी से बोला था आपने, वो ऐसा मैंने लिखा है, मैंने रत्नागिरी के अलग लोग, सिंधुदुर्ग के अलग लोग, क्योंकि मेरा सिंधुदुर्ग के वहां पे मायका है और रत्नागिरी के यहाँ मेरा ससुराल है, मीन्स राजापुर तालुका है, तो ऐसे सिटी वाइज मैंने लिस्ट बनाई है सर। अभी मैं आपको सब दिखा सकती थी लेकिन ऊपर मेरा बेटा सोया तो मेरे रूम में पड़ी है और मैं नीचे हूँ। नो और प्रॉब्लम, सर मैंने मेरे भी मैंने अपने फ्रेंड लोगों से कल मीन्स ऐसा आपने बताया वैसा चैट करके कि कैसा लोगों से बात करना, वो सब सब लिख दिया और कर दिया सर। सर बहुत बढ़िया, आप जो भी मुझे मैं सबको पढ़ाते लेकिन जो आप पढ़ाते हो ना वो बहुत एकदम अपने दिमाग में भी बैठा है और बहुत फर्स्ट क्लास सर। और सर थैंक यू आपको। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शानदार, देखिए 400 लोगों की लिस्ट रेडी है मैम की, और बाकी अभी लिस्ट की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैम। तो मैट्रिमोनियल ओपन करें, उसमें जितनी भी लड़कियों के फोन है, लड़कों के फोन है, सब निकालें, कॉल करने स्टार्ट करें, बेटा शादी हुई कि नहीं हुई। हाँ मतलब सिंपल इतने पूछो, बेटा शादी हुई कि नहीं हुई। मैं बोल रही हूँ श्रद्धा मौर्य बोल रही हूँ, मैंने देखा तुमने मैट्रिमोनियल में डाला हुआ है शादी के लिए, तो अभी हुई कि नहीं, बस इतना ही पूछो, हुई कि नहीं। भले अभी नहीं हुई या हो गई है, हो गई है तो बधाई दे दीजिए, वाह बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका जीवन सुखी रहे। नहीं हुई है तो चलिए मैं भी मदद करती हूँ, आप मुझे बताइए क्या हो, कहाँ से हो, कैसे हो, बस रिलेशन बढ़ाओ। रिलेशन बन गया तो आगे को जो है, ऐसा भी हो सकता है कि शादी आप भी करवा सकते हो उनकी, यदि आपकी नॉलेज में कोई हो तो, ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब यही है, लोगों से बातें करो, रिलेशन बनाओ, थोड़ा सा माइंड को ओपन रखो, नए नए तरीके ढूंढो, लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट, महेश सवाली जी। गुड मॉर्निंग सर जी। सर वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था सर कि फेसबुक के भी नंबर मिल जाते हैं सर, क्योंकि जी फेसबुक के सिर्फ नंबर ही नहीं मिलते, उनका पूरी तरह से डाटा भी मिल जाता है सर, पूरा बायोडाटा मिल जाता है, ये मुझे कल ही पता चला। फेसबुक तो एक्चुअली मैं ज्यादा करके ऑपरेट करता ही नहीं हूँ, लेकिन अभी ऐसे फेसबुक भी ऑपरेट करना चालू कर जाऊंगा। और आप हमको बाहर इंस्टीट्यूट के वहां से भी नंबर मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात अननोन, हमारे पास ग्रुप रहता है, हमको किसी ने हमको ऐड किया रहता है उस ग्रुप में, और उस ग्रुप में हम उनसे अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, अननोन पर्सन से भी उनको हम पूछ सकते हैं कि आपको इस ग्रुप में किस लिए रखा गया है, उसी ग्रुप में मैं भी हूँ, उनके साथ हम दोस्ती भी कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, उनसे रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं, उसके बाद में उनको हम बिजनेस भी अपना बता सकते हैं सर। बिल्कुल ऐसे और बोलिए। मेरे पास सर एक्चुअली बोलते हैं ना कि अपने पास ही मोबाइल में बहुत सारे नंबर रहते हैं, तो मेरे पास कम से कम 1700 क्रॉस मेरे पास लिस्ट है सर, कॉन्टेक्ट लिस्ट। उसमें से मैक्सिमम कम से कम 200 से 250 लोग मेरे पहचान के ही है, बाकी सब लोग तो अभी ऐसे अनजान है, कभी कभार मिले, रास्ते मिले तो नंबर लेके रखा है। तो मेरे कहने का मतलब सर कि मेरी डेली कम से कम 4 से 5 लोगों से मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ती है, डेली मैं 4-5 लोगों से, अननोन लोगों से मिलकर उनका नंबर ले लेता हूँ,
और अपने इसमें ऐड कर ले जाओ सर में। बस अब उन लोगों से रिलेशन बनाने हैं। यस सर, यस हम ऐड कर लेते थे। ऐड लगभग सब लोग करते हैं, कोई कभी भी मिला तो उसका नंबर सेव कर लिया। कुछ दिन के बाद हमें यही नहीं पता होता कि ये है कौन। मोबाइल में नंबर्स तो सेव होते हैं, लेकिन आप देखिएगा आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं आप कॉल ही नहीं करते उनको, मैसेज ही नहीं करते उनको। अभी मेरे पास में खुद 4,000 से ऊपर करीब 5,000 के आसपास कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, लेकिन सब लोगों से बात थोड़ी होती थी। तो अब क्या करना है आपको, उन सब लोगों से अब रिलेशन बनाना है। आप सोच के देखो, आपके मोबाइल में 1700 लोग हैं, ये 1700 लोगों से यदि रिलेशन बन जाए तो 1700 लोगों के लिए स्टडी हो गई आपकी। 1700 जुड़े होंगे अब तक, 10-20-50 जुड़े होंगे, 2-4-6 अप्लाइंस होंगे। उसके अलावा तो बताइए कौन है, सारे प्रोस्पेक्ट ही तो है आपके लिए। ऐसे ही आप लोगों की जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें लोगों की कमी थोड़ी है, बस ये है कि अभी तक उनसे बात नहीं की, रिलेशन नहीं बनाया, इसीलिए वो अनटच्ड पड़े हुए, अनयूज्ड पड़े हुए। उनमें से सर बहुत सारे लोग हैं ना, मैं कांटेक्ट तो करता हूँ उनको बात करने के लिए, लेकिन वो टेटस देखते रहते हैं ना ब्लॉग, तो टेटस देखने से वो फोन नहीं उठाते, पिकअप नहीं करते बहुत से लोग उसमें। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कुछ लोग रहेंगे, 10-5% ऐसे रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं जो फोन नहीं उठा रहे, जाने दो। यस सर, नो प्रॉब्लम, यस ओके। देखिए कुल मिलाकर कहानी ऐसी है कि ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने फॉलो की है और मैं आज भी फॉलो करता हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप बोला, मैं आपको बताऊं मैंने पर्सनली ज्वाइनिंग्स निकाली है। मैंने व्हाट्सएप बोला तो व्हाट्सएप से मैंने काम स्टार्ट किया गुजरात में, और वो अभी टीसी होने वाले हैं। व्हाट्सएप से नंबर निकाल के सोचो, सिर्फ उनका 18,000 बिजनेस वॉल्यूम कम रह गया है टीसी होने के लिए। व्हाट्सएप से मैंने नंबर निकाल के उनको लिया, उनसे दोस्ती की, उनको ज्वाइन किया। उसके बाद में जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में बोल रहा हूँ आपको, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, इसके ऊपर मैंने कॉल करना चालू किया। मैंने आर्मी के एक व्यक्ति हैं शर्मा जी करके, उनको मैंने काम स्टार्ट करवाया ऐसे इसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से, जो हम लोग ऐड कर लेते हैं लेकिन कभी पूछते नहीं है। मैंने क्या किया, डेली 5 लोगों को कॉल करना चालू किया, और मैंने हर एक चीज के लिए अलग अलग लिस्ट बनाई हुई है। क्योंकि 5 लोगों को कॉल करना है तो उनकी अलग लिस्ट है, व्हाट्सएप से कॉल करना है तो उसके लिए अलग डायरी है, अलग लिस्ट है, ऐसे करके अलग अलग मैंने डायरीज बनाई हुई है। तो आप लोग भी जैसे करोगे, डेली 5 लोगों को कॉल करना है कॉन्टेक्ट लिस्ट में से, डेली 5, और एक तरफ से कॉल करना चालू कीजिए, किसी को स्किप मत कीजिए। अब चलते जाइए, अब उसमें बीच में अप्लायंस भी आएंगे तो अप्लायंस से अप्लाइन वाली बातें कर लीजिए, डाउनलाइन आएगा तो डाउनलाइन वाली बातें कर लीजिए, रिलेशन वाले लोग आएंगे तो रिलेशन की बातें कर लीजिए, लेकिन आप एक तरफ से कॉल करते जाइए ए नंबर से, फिर बी सी डी ई नीचे को बढ़ते जाइए, कॉल करते जाइए सारे लोगों को। बंटी गुर्जर जी, कुछ पूछना चाहते हो आप? जी सर, मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था सर, जैसे हम फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगा देते हैं कंपनी का, तो ये लगाना सही है या गलत? नहीं, कंपनी का स्टेटस मत लगाइए। जी जी, देखिए यदि आप कंपनी का स्टेटस, कंपनी के प्रोडक्ट्स, अपनी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लगाओगे जो अभी आप दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि तो यदि आप वो बिजनेस के लिए अप्रोच करोगे वो सिंपली पहले से आपके बारे में सब कुछ जानते होंगे और उन्होंने सर्च कर रखा होगा, तो फिर क्या है कि हो सकता है कि वो फिर आपको, अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, ज्यादा चांसेस तो ये है कि वो आपको टाइम ही ना दें, कम चांसेस ये है कि यदि उनको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं है तो वो आपको टाइम दे देंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज मत कीजिए वहां पर, उनके माइंड में एक इमेज अच्छी बना के रखिए, एक प्रोफेशनल की इमेज बनाइए, एक अच्छे व्यक्ति की इमेज बना के रखिए। लेकिन क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के भी उतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर उतने पॉजिटिव नहीं है, यदि आप वहां पर आप इमेज में ऐसा कुछ डाल के रख रहे हो कि आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो सकता है शायद आप फोन करो वो फोन ना उठाए, तो सस्पेंस रखिए। सर क्या है, मैं शुरुआत में एक साल पहले दूसरी कंपनी में था, तो मैं उसके स्टेटस लगाए थे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो इस वजह से मैं बिल्कुल लगाना बंद कर दिया। सस्पेंस रखिए, सस्पेंस रखोगे तो थोड़ा सा सामने वाले को भी क्या है ना, पर्दे के पीछे क्या है हर कोई जानना चाहता है, पर्दा ओपन कर दिया तो सबको पता है, तो इसीलिए क्या है ना, पर्दे में रहो।
यानी अपने आप को सस्पेंस में रखो, उनको दिखाओ मत अभी आप क्या कर रहे हो, जब आप बात करोगे तब बताओगे ना फिर क्या करते हो आप, राइट। चलिए गुड, यस नेक्स्ट गिरीश भाई सेवक जी अनम्यूट कीजिए। जी सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मेरे को आपका फेसबुक का जो आपने आइडिया दिया ना वो बहुत एकदम ये लगा। अपन पहले ऐसे समझते हैं कि लोग अपन को रिक्वेस्ट भेजते हैं मगर रिक्वेस्ट नहीं, हकीकत में अपन को उनका कांटेक्ट मिलते रह जाता है, जो अपन उनके साथ जितना नजीक से उनका जो बायोडाटा निकालेंगे तो अपन को फटाफट फटाफट उनका नंबर मिलते जाएगा और अपना लिस्ट बढ़ते जाएगी। और अपन कहीं पे भी है, बस में है, कार से है, कहाँ पे खड़े है, कहीं पे भी है, तो अपन उनका नंबर लेने में आसान बन जाएंगे, उनको थोड़ा लिप देने से अपना अपना काम बन जाएगा। और आपने बहुत कुछ अच्छा आइडिया दिया कि जितने लोगों का ग्रुप वाइज करेंगे, सिटी वाइज करेंगे, उतना लोगों का अपन को लिस्ट मिल जाएगा सर। बिल्कुल, अभी लिस्ट की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कभी भी? बिल्कुल नहीं आएगी सर, क्या है कि हर दिन का लिस्ट बढ़ते जाएगा और पहले से जो जंग लगा हुआ उनको तो परसों से गुड मॉर्निंग करना चालू कर दिया सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बहुत टाइम से जो पड़ा हुआ था नंबर मगर अपन ने गुड मॉर्निंग नहीं किया था, कोई मैसेज नहीं किया था, वो लोग देखते रहते थे मगर अपन ऐसे समझते कि अभी कभी काम नहीं लगने वाले लोग हैं, मगर अभी समझ में आया कि हकीकत में उनको रिलेशन बढ़ाते जाएंगे तो आज नहीं तो 6 महीने के बाद भी हो अपने साथ कुछ ना कुछ बात तो करेगा, बात करेंगे, बिजनेस में आ जाएंगे। आप सोच के देखो ना, यदि मैं गिरीश भाई सेवक जी से 6 महीने लगातार गुड मॉर्निंग करूं, कॉमन सेंस की बात देखो आप, यदि मैं आपसे लगातार 6 महीने गुड मॉर्निंग करूं, गुड मॉर्निंग ग्रीस सर, गुड मॉर्निंग ग्रीस सर, गुड मॉर्निंग ग्रीस सर, नमस्कार ग्रीस सर, हैप्पी रिपब्लिक डे ग्रीस सर, हैप्पी दीपावली ग्रीस सर, हैप्पी बर्थडे ग्रीस सर, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी ग्रीस सर, 6 महीने मैंने लगातार किया तो ग्रीस सर के साथ एक रिलेशन बिल्ड हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। अभी मैं 6 महीने बाद बोलता हूँ ग्रीस सर मैंने ना एक नया काम डाला है, आप मिलो ना, बैठ के डिस्कस करते हैं, आपके एरिया में मुझे स्टार्ट करना है, वहां का बेनिफिट आपको मिलेगा। yes, इसमें क्या बोलेंगे बताइए ना सर, क्या है? क्यों? क्योंकि रिलेशन बिल्ड हो चुका है। और फिर जब मैं इनको बिजनेस बताऊंगा तो ये मुझसे मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि 6 महीने का रिलेशन है उधर, समझ रहे हैं ना? चलिए यस संदीप कांबले जी अनम्यूट कीजिए। यस सर गुड मॉर्निंग। यस वेरी गुड मॉर्निंग। कल का वीडियो तो मैंने देखा नहीं, परसों आपने जो बताया था लिस्ट कैसे बनाने, ऑलरेडी मेरे पास 1500 लोगों की लिस्ट है, उनमें से मैं व्हाट्सएप ग्रुप में 256 लोग ही ऐड होते हैं ब्रॉडकास्ट में, 256 लोगों की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया और उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज अभी कर रहा हूँ 2-4 दिन, रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहे। कई कई लोगों जो फ्रेंड सर्कल थे उनमें कभी मैं फोन नहीं करता, मेरा खुद का बिजनेस था इसी वजह से उनका भी रिप्लाई आ गया है, रिस्पॉन्स आ गया उसकी वजह से। और मैं टेलीग्राम पे 2 लाख लोगों की लिस्ट का है, लिमिट है, उनमें भी 500 लोगों को मैंने लिस्ट ऐड किया है, उनको मैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज भेज रहा हूँ तो उनको जो रिप्लाई आ रही है, तो लिस्ट बढ़ती जा रही है, जो और लोग है जो मैंने जो क्या बोलते उसको ऐड किया है, जो दुकान में आते है कई कई लोग जो कस्टमर रहते मेरे उनको मैंने नाम ऐड किया लेकिन मैं पहचानता नहीं, ऐसा ही भूल जाता हूँ, तो उनको भी आपने बोला कि डेली 5 लोगों को फोन करना है तो फोन करके उनको कंफर्म करता हूँ कौन आदमी है क्या है, तो बता दे आपके दुकान में आया था ये लेने के लिए, ठीक है सर कोई बात नहीं सर, ऐसा ही पड़ा हुआ था मेरे पास इसलिए मैंने फोन किया, तो ऐसे रिलेशन बिल्ड होते जा रहे हैं और जो लिस्ट है वो लिस्ट का मतलब कम होने का कोई चांस ही नहीं, बढ़ते जा रहे हैं सर। और आपने बताया कि शॉप के ऊपर जो रहते वो खाली रहते उसमें मिलना चाहिए, उसको बातचीत करना चाहिए कि सर क्या है कैसा चल रहा है, अब ऐसे ही लोगों की खोज में हो क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है फिर भी आप साइड बाय साइड कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमने एक यूनिटी बनाई, आपका नाम ले रहा हूँ, खुद लोगों को जो अच्छे अच्छे लोग है मतलब कई कई लोग जो बिजनेस साइड बाय साइड करना चाहते उनका ही मैं नाम ले रहा हूँ, बाकी कुछ का नहीं, ये भी फॉर्मूला आपने अच्छा बताया, जो एडवर्टाइज करते हैं बैनर के थ्रू उसको नंबर लेके उनको मिलना चाहिए, भले वो जैन हो या ना हो लेकिन उसके रिलेशन बिल्ड करके भी अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। और फेसबुक का फॉर्मूला पहले से मैंने सब कुछ ऐड किया है, उनको नंबर लेना है, फ्रेंड सर्कल बहुत होते हैं, अपने रिलेटिव भी उसमें होते हैं, ज्यादातर पहचानते नहीं, हमें पहचानते हैं लेकिन हमें कभी कोशिश ही नहीं करते उसकी,
तो वो भी फार्मूला पहले से ऐड कर चुका हूँ। इसे बहुत 2,500 के लिस्ट के आगे बढ़ चुके हैं। अभी तो मैंने 500 के आगे ब्रॉडकास्ट बना दिया है, उनको मैसेज छोड़ दे देना चालू कर दिया है, उसका भी रिस्पांस आ रहा है। कभी भी कई लोगों का फोन आ गए, क्या है, कैसा है, ठीक है, सब ऐसे करके लिस्ट तो बहुत सर बढ़ गई है मेरी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अभी आपने बोला ना ब्रॉडकास्ट में 256 आते हैं, आप क्या लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 ऐसे बना लीजिए। प्रोस्पेक्ट 1, प्रोस्पेक्ट 2, प्रोस्पेक्ट 3 मैंने भी मेरे मोबाइल में बना रखे हैं। प्रोस्पेक्ट 1, प्रोस्पेक्ट 2, दो लिस्ट है प्रोस्पेक्ट्स के, 256, 256, और फिर और अलग अलग नाम से है, फ्रेंड्स ब्रॉडकास्ट, इस तरीके से। तो वो आप भी बना सकते हो। तो एक ब्रॉडकास्ट में लिस्ट में 256 आते हैं, और बना लीजिए 2-4। ठीक है, चलेगा सर। चलिए, गुड। ये आइडिया नहीं था मेरे पास। मैं बोल रहा था, मैं सोच रहा था कि अभी बाकी लोगों का कैसे मैं ऐड करूं, लेकिन पर्सनल तो एक को मैसेज तो नहीं कर सकता मैं। नहीं, इतने लोगों को कैसे करेंगे मैसेज, 1500 लोगों को मैसेज करने भेजेंगे तो पूरा दिन मैसेज में ही चला जाएगा। ये तो आइडिया अच्छा है, वो कर दूंगा सर आज में। और लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट का नाम कर लीजिए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, प्रोस्पेक्ट 1, लिस्ट प्रोस्पेक्ट 2, लिस्ट प्रोस्पेक्ट 3, ऐसे करके 256, 256, 256 बनाइए। लेकिन लाइफ पार्टनर अपकमिंग या माय लाइफस्टाइल ऐसे नाम दिया मैंने, कुछ भी बनाइए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों को गुड मॉर्निंग भेजते हो प्रोस्पेक्ट लिस्ट से, है ना, ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट से जो गुड मॉर्निंग भेजते हो, ये जरूर चेक करिए कि कितने लोगों का रिप्लाई आ रहा है। हाँ, वो भी सर चेक करता हूँ मैं। कई कई लोग डिलीवरी करते हैं, कौन से देख रहे, रेड कर रहे, वो भी हम देख रहे हैं। 50% तो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसमें सर। तो जो लोगों का गुड मॉर्निंग आता है उसको अलग एक डायरी में नोट करके रखिए जो गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। जो अभी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उनको ये देखिए कि उनको मैसेज डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। Yes. उनको ये चेक कीजिए कि उनको मैसेज डिलीवर होता है नहीं। यदि उनको मैसेज डिलीवर हो रहा है तो फिर अब आप उनको कॉल भी कीजिए, हफ्ते में एक दिन कॉल करते रहिए। जिनको मैसेज डिलीवर हो रहा है लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जिनको मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है लेकिन आप मैसेज कर रहे हो, इसका मतलब वो वेस्ट जा रहा है। क्यों वेस्ट जा रहा है? क्योंकि उन्होंने आपका नंबर सेव नहीं कर रखा है। तो आप उनको कॉल करके अपना नंबर सेव करवाइए पहले। यस सर, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आपको उसको कैश करना है। चलिए, गुड। मकन भाई मालीवाड़ जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अभी जस्ट वॉक खुल गया, तुरंत मैं मोबाइल उठा लिया क्योंकि रात को 1 बजे सोया था। तो आज पहली बार मेरे को ऐसा हुआ कि मैं लेट हुआ सर। कोई बात नहीं, और बताइए लिस्ट का क्या पोजीशन है आपकी? तो कभी भी मैं सर लिस्ट का तो आपने खत्म ही कर दिया। लिस्ट का तो अभी कभी डायमंड बनू तक, तब तक का लिस्ट तो आपने बता दिया सर। अभी बनाने का काम चालू करने का आज मेरे को। वेरी गुड, बहुत सुंदर। लिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? लिस्ट की प्रॉब्लम तो सॉल्व सर, डायमंड का भी जो बीज नहीं था, डायमंड का बीज मगज में आ गया कि सर ने डायमंड तो बना दिया, अभी प्रोसेस करना बाकी मेरा। That's good. बहुत सुंदर, बस प्रोसेस करना चालू कर दीजिए। थोड़ा सर मेरे को वो दिक्कत है, आपने जो शाम को जो बताया ने, इसमें मेरा इंग्लिश थोड़ा कच्चा है, लेकिन आज से इंग्लिश भी सीखना मैं स्टार्ट कर लूँ, किस तरह से बनाना, किस तरह से वो मेरा। मैं डबल ग्रेजुएट हूँ लेकिन सर मेरे को वो थोड़ा प्रॉब्लम था, पर आज वो भी डाल दिया कि मेरे को अच्छी तरह से इंग्लिश सीखना पड़ेगी। सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। और जरूरी नहीं है कि सब इंग्लिश में ही है, हिंदी में भी होता है। आप गुजराती का डालोगे उधर तो गुजराती में भी मिलेगा आपको, लेकिन सीखो, इंग्लिश सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इंग्लिश इजी है, और अभी तो आप लोगों ने एमआई डिजी वर्ल्ड ले लिया होगा, तो एमआई डिजी वर्ल्ड में इंग्लिश स्पीकिंग है, सौम्या सिखाते हैं उधर, तो बढ़िया है, सीखिए, अच्छा रहेगा। चलिए, गुड। यस सुरेश पटेल जी, जी सुरेश पटेल सर, आपका लिस्ट की क्या पोजीशन है? गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं जो पहले से मारे 1,000 का तो लिस्ट तैयार है मेरे पास, और आज जो आपने फेसबुक से बताया इसमें से और ज्यादा आइडिया मिल जाएगा, तो जितना चाहिए इतना अपना लिस्ट बढ़ा सकते हैं, और जहां जाऊं तहां जाए एक रिलेशन, इसकी अच्छाई ढूंढने के बाद ही अपना रिलेशन, नया नया कॉन्टेक्ट मिल सकता है जी। लिस्ट में तो कभी प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर।
यही चाहते हैं कि लिस्ट में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। विशंबर बैरा जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कल जो व्हाट्सएप में लिस्ट है, जो है व्हाट्सएप में जो लिए सर क्या बताया लिस्ट करने के लिए, तो वो जो मैं एक नया लिए व्हाट्सएप ग्रुप से 180 का लिस्ट बनाया था कल जी। और सर फेसबुक में गया नहीं, फेसबुक में आगे चालू करने का लिस्ट बढ़ाता रहा मैं। और जो एक तरीका है जो 3 फीट के अंदर बोला थे जी, उसको सर तो बढ़ाएंगे। अभी लिस्ट कितने लोगों की रेडी है आपके पास? अभी सर 250 की लिस्ट है। अभी लिस्ट कभी खत्म तो नहीं होगी आपकी? नहीं सर, नहीं, बढ़ती रहेगी जी सर। चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बाबा साहेब गायकवाड़ जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ जी बोलिए। कल आपने सिखाया था सर कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है जी। हाँ, आप अगर आप मार्केट में जाते हो तो जो एडवर्टाइज रहते हैं उसका नंबर ले दीजिए, या शॉप पे लगा रहते हैं वो नंबर लीजिए, उससे रिलेशन बढ़े जी। ये सब आपने कल बताया था। और सर एक्चुअली क्या है, ये मेरे लिए ना ये बिजनेस फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। ओके। हाँ, तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, तो आपने बहुत आसान कर दिया है क्या करना है क्या नहीं करना। वो मेरे मन में एक उलझन थी कि बाबा मैं कैसे करूँ, कैसे लीड बनाऊ, कैसे बढ़ाऊ, तो आपने बहुत आसान कर दिया सर। चलिए गुड, बहुत सुंदर, बस अब करते जाइए। ओके सर, ओके। दिया रास्ते पे चलते जाइए, चलने का आपका काम है, बताने का हमारा काम है, बस करते जाइए आप। यस प्रवीण बमानिया जी, प्रवीण बमानिया, दीपक कुमार मोहंती। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग दीपक जी। जी सर, कल जो आप सिखाए जी, हमारा तो था कि हमारा लिस्ट खत्म हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कल सेशन से। सर थैंक यू, बहुत बढ़िया नॉलेज दिया कि लिस्ट हमारा कभी भी खत्म नहीं होगा, हम फेसबुक व्हाट्सएप कहीं से भी हम लिस्ट बना सकते हैं और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कल भी सर मीटिंग खत्म होने के बाद मैं फेसबुक में टाइप किया प्राइवेट जॉब इन भुवनेश्वर, तो मेरा कल 4 नंबर मैं कॉन्टैक्ट किया हूँ, नोट किया हूँ, मैं आज उनको कॉन्टैक्ट करूंगा, 4 नंबर मिला है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जो नंबर जो आपने नोट किए प्राइवेट जॉब्स इन भुवनेश्वर से, उनको फोन कीजिए, उनको बोले मिस्टर सोएंसो बोल रहे हो, बोले हाँ जी आपने जॉब के लिए अपना कांटेक्ट दिया हुआ था अपने फेसबुक के ऊपर, जॉब मिली क्या आपको? तो वो बोलेगा नहीं अभी तो नहीं मिली, तो बोले कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लायक काम है, आप जो है कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, आप मुझसे मिलिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिये वो आपके पीछे लग जाएगा काम जानने के लिए, बताइए सर क्या काम है, मैं तो करना चाहता हूँ, मैं तो काम ढूंढ रहा हूँ, ऐसे करके सामने से फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। यस सर। चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस नेक्स्ट गला भाई दोत। यस सर। यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे को ये समझ में आया सर कि पहली बात तो मैं नया नया था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे पास लिस्ट खत्म हो जाएगी तो फिर मैं नंबर कहाँ से लूं। ओके। लेकिन आपने आइडिया बताया कि कहीं भी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे एड लगे रहते हैं, कहीं पे स्टोर पे हैं, कहीं मार्केट में जाएंगे तो वहाँ से भी नंबर मिल जाएंगे, एक आइडिया तो वो आपने बताया, वो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको जी। एक तो हम जो वो फेसबुक पे नंबर निकालना वो सिखाया तो वो भी हमारे को बहुत सारे नंबर मिलेंगे जी, लिस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास इतने नंबर है तो फिर लिस्ट कम होगी, लेकिन लिस्ट तो बहुत बढ़ गई। और हम पहले तो अनजान व्यक्ति से वो रिलेशन बढ़ाएंगे सर जी, नंबर लेके फिर उनको रिलेशन बढ़ाएंगे, उसके बाद रिलेशन बढ़ाते
जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, उसके बाद हम उसको काम की बात वो बताएंगे अपने मिल के। जी ठीक है सर, इतना बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस जयेश कुमार जी, जयेश कुमार, हीना सोतर, राजू भाई सेवक जी, अर्चना बाड़े, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। आपको समझ में आया कहाँ कहाँ से लिस्ट बना सकते हो आप? हाँ सर थोड़ा सा आया, आपने बताया था सर कि फेसबुक व्हाट्सएप या किसी भी ग्रुप एड से आप नंबर ले सकते हैं, उनका नंबर लेना है, उनके साथ रिलेशन बढ़ाने हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट उनसे बात करने, अपना परिचय बताना है, उनका परिचय लेना है, उसका नंबर लेके अपना नंबर देके बाद में अपनी दोस्ती बढ़ जाए तो उसके बाद उनसे बिजनेस की बात करनी है। यस, तो अभी आपके पास में कितने लोगों की लिस्ट रेडी है? सर अभी तो मैंने तो कल मैं गांव को गई थी तो उनके पास से मैंने दो जोड़ने का नंबर लिया था सर। ओके, अभी टोटल कितने लोगों की लिस्ट बना रखी है आपने? 50 या 100 होंगी सर, 50 उससे ज्यादा नहीं है सर, 2-3 जने की बढ़ गई सर। चलिए तो इसको आप बढ़ा सकते हो? हाँ सर बढ़ाऊंगी सर। चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर, बढ़ाते रहिए। सो सभी लोगों की लिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और आगे को ये प्रॉब्लम आप लोगों को कभी नहीं आएगी लिस्ट से रिलेटेड, यदि आपने ये सारी स्टेप्स को फॉलो किया, ज्वाइन लोगों की लिस्ट बनवाते रहे, 100-100 लोगों की लिस्ट बनवा के अपनी फाइल में लगाते जाइए, जो ज्वाइन नहीं हो रहे हैं कम से कम उनसे 5-5 कॉन्टेक्ट इकट्ठे कीजिए, फेसबुक के मैट्रिमोनियल हैं, जॉब्स ग्रुप हैं, आपके समाज के ग्रुप हैं, वहां से नंबर्स निकालिए, उसके अलावा फेसबुक फ्रेंड्स जो हैं उनके नंबर्स लीजिए, मैसेंजर पे जाके उनको मैसेज कीजिए, मैसेज करके उनसे बातें कीजिए, उनका नंबर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर निकालिए, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से नंबर लीजिए, आपके शादी के व्यवहार की डायरी में से नंबर निकालिए, शादी की एल्बम देखिए, उसमें से आपको बहुत सारे लोगों के नाम आपको याद आ जाएंगे चेहरे देखकर, राइट ना, मतलब एड में से नंबर लीजिए, कोल्ड कॉलिंग कीजिए, किसी भी शॉप पे जाके बात कीजिए। अब आपके पास में इतने सारे तरीके हैं लिस्ट बनाने के कि कभी भी आपको लिस्ट की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए अभी लिस्ट तो बन गई, अब आपकी, अब क्या हो गया, आपकी लिस्ट तो रेडी हो गई है, लेकिन लिस्ट बनने के बाद अब इस लिस्ट का करना क्या है? लिस्ट तो आपने बना ली, क्यों बना ली लिस्ट, किस चीज के लिए बनाई आपने लिस्ट? तो लिस्ट तो आपने बना ली, अब वो जो लिस्ट बनाई है आप उसको यूज करना है। जाडेश्वर जी आपकी कितने लोगों की लिस्ट रेडी है? 400 के अभी सर। 400 लोगों की, और डेली अपडेट हो रही है अभी? यस सर, बढ़ती जा रही लिस्ट, कभी लिस्ट की दिक्कत तो नहीं होगी आपको? नहीं सर। चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो देखिए आप सभी लोगों के पास में लिस्ट तो बन रही है, अब इस बस लिस्ट को यूज करना है। अच्छा ये लिस्ट क्यों बनाई है आप लोगों ने, सिंपल समझो क्यों बनाई है, उनको बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, उनको प्रोडक्ट देने के लिए, उनको अपनी टीम में लेके आने के लिए, उनके साथ टीम बिल्ड करने के लिए, इसीलिए तो लिस्ट बनाई है आप लोगों ने। लिस्ट बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? यही तो उद्देश्य है राणा डे जी कि आप उन लोगों को अपने बिजनेस में लेके आओ, यही तो उद्देश्य है ना, इसके अलावा कोई और दूसरा उद्देश्य भी बताओ आप? यही एक काम है कि वो लोग आपके बिजनेस में आ जाएं या वो लोग प्रोडक्ट यूजर बन जाएं, यही चाहते हो ना आप लोग। तो अब इसके लिए काम करेगा अब लिस्ट का आपका सिस्टम का तीसरा पॉइंट, जिसको बोलते हैं इनविटेशन विद एडिफिकेशन। सिस्टम का थर्ड पॉइंट क्या है? इनविटेशन विद एडिफिकेशन, महत्व के साथ आमंत्रण। क्या है अपना थर्ड पॉइंट? महत्व के साथ आमंत्रण, इनविटेशन विद एडिफिकेशन, इनविटेशन विद
एडिफिकेशन, ये है लिस्ट का, ये है आपका सिस्टम का थर्ड पॉइंट। महत्व के साथ आमंत्रण, इनविटेशन विद एडिफिकेशन, राइट ना? क्या इनविटेशन विद एडिफिकेशन, महत्व के साथ आमंत्रण। अभी आप बोलेंगे सर ये क्यों करना है, इनविटेशन क्यों करना है, कोई हमारे घर में शादी थोड़ी हो रही है जो हमें इनविटेशन करना है। देखिए सिंपल समझो, इनविटेशन आपको क्यों करना चाहिए। इनविटेशन को सिंपल भाषा में बोलूं तो ये है अपॉइंटमेंट। ये क्या है? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट फिक्सिंग। अब ये जो लिस्ट बन गई है आपकी, जिन लोगों से आपके रिलेशंस बन गए हैं, अब आपको क्या करना है, इनको प्लान दिखाना है। तो प्लान दिखाने से पहले और लिस्ट बनाने के बाद जो बीच का स्टेप है, दैट इज इनविटेशन, दैट इज अपॉइंटमेंट फिक्सिंग। अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। आप बोलेंगे सर अपॉइंटमेंट क्यों फिक्स करना है, हम तो कभी भी जाके मिल सकते हैं, हमारी दोस्ती है। देखो सिंपल एक बात समझो आप, अभी यदि कोई व्यक्ति इधर आपसे आके बात करने लगे, अभी आपके पीछे घर में से आए और आपसे दीपक जी पीछे से कोई आके बात करने लगे, तो आप मुझे एक बात बताइए, म्यूट कीजिए। दीपक जी अभी कोई व्यक्ति आके आपसे बात करने लगे तो आप उसको क्या बोलोगे? हम पहले उनके बारे में कुछ पूछेंगे। नहीं, इधर ट्रेनिंग चल रही है, सुनो ध्यान दो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर ट्रेनिंग चल रही है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, और पीछे से कोई व्यक्ति आके बोलने लगे दीपक भाई मुझे आपको कुछ समझाना है, तो आप क्या बोलोगे? बोलूंगा कि मैं थोड़ा मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करेंगे। बाद में बात, अभी मैं बिजी हूँ। लेकिन अभी आपका कोई रिलेटिव आ जाए और आके आपके पास बैठ जाए और आपको कुछ बोलने लगे तो क्या करोगे? तो हम बोल सकते हैं ठीक है आप बैठिए, मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ, आप भी देखिए और खत्म होने के बाद बात करेंगे। लेकिन वो रिलेटिव ऐसा है कि वो अपना उसने बताना चालू कर दिया, ये रॉबर्टी क्योसाकी है, ये एम्प्लॉई है, ये सेल्फ एम्प्लॉई है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये बिजनेस है, उसने कोई नया फंडा आपको बताना चालू कर दिया, तो अब आप क्या करोगे? वो बोल रहा है लेकिन आपका ध्यान मेरी तरफ है, आप मुझे सुन रहे हो, आप उसको थोड़ा बहुत सुनने की कोशिश कर रहे हो, अब आपका माइंड में क्या है, वो क्या बता रहा है वो समझ ही नहीं पा रहे हो आप। ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ऐसा। एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों के साथ प्रोस्पेक्ट के साथ ऐसा ही करते हैं। यदि आप बिना अपॉइंटमेंट के किसी के पास जाओगे तो वो ऑलरेडी अपने किसी न किसी काम में बिजी है, उसके माइंड में कुछ चल रहा है, और आप जाके डायरेक्ट प्लान दिखाना चालू कर दोगे तो वो आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा, वो तो बिजी है दूसरी जगह। एक बात बताइए, कोई खाली थोड़ी बैठा हुआ है, सबकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी उलझन है, बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारे काम है। आप किसी के पास भी जाते हो, जाके उसको बिजनेस बताना चालू कर देते हो, तो ये भी तो सोच के देखिए, पहले से भी तो वो कुछ सोच रहा होगा, यानी उसके पर्दे पर, उसके माइंड के पर्दे पर पहले से भी कोई पिक्चर चल रही होगी। जैसे आप सभी लोगों के माइंड के ऊपर अभी एक पिक्चर चल रही है, जिस पिक्चर के स्क्रीन पर मैं बैठा हुआ हूं, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, अभी आपका जो माइंड का जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर कौन बैठा है? मुकेश सिंह बैठा है, ट्रेनिंग दे रहा है। अभी यदि किसी दूसरे व्यक्ति को इसके ऊपर बिठाना चाहोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, जैसे मैं भी बोलूं और आप भी बोलो, हम दोनों बोले तो तीसरे को कुछ समझ में नहीं आएगा। पिक्चर देखिए कभी आप लोगों ने, हॉल में जाके, हॉल में पिक्चर देख रहे, देखी होगी ना आपने, वो स्क्रीन के ऊपर यदि एक पिक्चर चल रही है उसके ऊपर दूसरी पिक्चर भी डाल दो तो कुछ समझ में आएगा, और दोनों की साउंड ओपन कर दो कैसा लगेगा? दोनों की साउंड ओपन कर दीजिए और दोनों पिक्चर एक साथ चला दीजिए कैसा लगेगा? एक पिक्चर पीछे चल रही है जिसमें फाइटिंग चल रही है, हीरो विलेन को मार रहा है, और एक दूसरी पिक्चर उसी के ऊपर चला दी
जिसमें गाना चल रहा है, कोई एक्टर एक्ट्रेस गाना गा रही है, पहाड़ियों में घूम रहे हैं वो लोग। अब आप मुझे बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है? अब वो एक्ट्रेस का गाना सुनोगे या जो पीछे फाइटिंग हो रही है वो सुनोगे, आपको कुछ समझ में आएगा मैम? नो मैम, नो सर, सॉरी। कोई बात नहीं, कुछ समझ में नहीं आने वाला है, सब हॉच पॉच हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी तरह से ना कुछ समझ में आएगा ना कुछ क्लियर हो पाएगा, बल्कि ये लगेगा कि हाँ ठीक है यहाँ से उठ के चल पड़ो कहीं और, बस यही होगा। यानी इसी तरीके से सेम सिचुएशन होती है एक व्यक्ति की, जिसको आप जाके अचानक बिजनेस प्लान बताते हो, आप उसके पास पहुंच गए, वो आपको कहीं मिल गया और आपने पकड़ के उसको प्लान दिखाना चालू कर दिया, तो उसके इमेज में, उसके दिमाग में दूसरी पिक्चर चल रही थी, अब आपने अपनी पिक्चर डाल दी, अब वो बेचारा कंफ्यूज हो रहा है कौन सी पिक्चर देखूं, पहले वाली पिक्चर देखूं जो चल रही थी या इनकी पिक्चर देखूं। अब ऐसे ही हो जाएगा, जो स्क्रीन के ऊपर डबल पिक्चर चल रही है, और फिर हम बोलते हैं अरे मैंने तो उसको इतना समझाया, उसको समझ में नहीं आया, उसने पैसे नहीं दिए, कैसा पागल आदमी है। अरे भैया पागल वो नहीं है, पागल तो हम है कि हमने उससे अपॉइंटमेंट नहीं लिया, उसकी पिक्चर के ऊपर जाके अपनी पिक्चर भी चढ़ा दी। समझ में आ रही कहानी आपको? यस सर। सिंपल एक फॉर्मूला समझो, जो सुनेगा वो समझेगा, जो समझेगा वो डिसीजन लेगा, जो सुनेगा नहीं वो समझेगा नहीं, जो समझेगा नहीं वो डिसीजन लेगा नहीं। तो किसी भी व्यक्ति को सुनाने से पहले उसको सुनने के लिए प्रिपेयर करना है, उसको तैयार करना है, उसके स्क्रीन को ब्लैंक करना है, और जब उसका स्क्रीन खाली है माइंड का, तब उसके ऊपर अपनी पिक्चर चलानी है डायरेक्ट सेलिंग की। जब वो एकदम से फ्री हो जाए, उसके माइंड में कोई दूसरा ख्याल नहीं आए, अब आप उसको समझाइए। अब आप लोग बोलेंगे सर हम कैसे उसकी पिक्चर हटा सकते हैं, हम कैसे उसके माइंड में से दूसरी चीज हटा देंगे? अपॉइंटमेंट फिक्स करके। अभी सिंपल समझो, अभी मैं आके आपको अचानक प्लान दिखाने लगूं तो आपके दिमाग में दूसरी पिक्चर चल रही है, खाली कोई भी नहीं है, कोई बच्चों के बारे में सोच रहा है, कोई फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, कोई जॉब के बारे में सोच रहा है, कोई खेती के बारे में सोच रहा है, कोई रिलेशन के बारे में सोच रहा है, ये चल रहा है, सबका चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका माइंड एकदम खाली पड़ा हो। अब उस स्थिति में आके मैं आपको कुछ बताना चालू कर दूं तो वही हो गया, एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर। लेकिन मैंने क्या किया, आपसे बात की, आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया, आपसे मिलने का टाइम फिक्स किया। टाइम फिक्स कैसे किया, योगेश भाई टाइम फिक्स हो गया हमारा कल शाम को 6 बजे मिलने का। मैंने योगेश भाई से टाइम ले लिया, कल शाम को 6 बजे मिलने का। अब मैं योगेश भाई के पास जा रहा हूं तो योगेश भाई मेंटली प्रिपेयर है किस चीज के लिए, मुझसे मिलने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। अब योगेश भाई उस टाइम पर कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने वो वक्त मुझे दिया हुआ है, वो 1 घंटा मुझे दिया हुआ है। अब ये 1 घंटे तक अपने स्क्रीन को साफ करके रखेंगे, अरे मुकेश भाई को टाइम दिया हुआ, वो आ रहे होंगे यार, उनसे बात करनी है। अब इनके माइंड में कौन आएगा, मैं आऊंगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने मुझे टाइम दिया हुआ है। ये खुद सोच रहे होंगे अरे 6 बजे का टाइम तो मुकेश भाई को दिया हुआ है, और मैं इनको फोन भी करूंगा योगेश भाई मैं आ रहा हूं, तो यदि इनके दिमाग में कोई पिक्चर चल भी रही होगी तो ये उसको बंद करके रख देंगे साइड में, अब मुकेश भाई आ रहे हैं उनकी सुननी है। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ? और जब आप मुझे सुनोगे तो फिर समझोगे, और समझोगे तो डिसीजन ले पाओगे। अच्छा, यदि आपने मुझे नहीं सुना होता, मैंने आपसे अपॉइंटमेंट नहीं लिया होता और मैं आके डायरेक्ट आपको प्लान दिखाने लगता, तो एक स्क्रीन के ऊपर 2 पिक्चर चल रही हैं, एक पिक्चर पहले से चल रही है, एक मैंने चला दी, तो अब मैं आपसे बोलता अब बताओ योगेश भाई क्या समझ में आया, योगेश भाई चलो करते हैं मिलके, तो पता है योगेश भाई का जवाब क्या आएगा, सोच के बताता हूं।
कोई भी व्यक्ति जो आपको बोलता है सोच के बताता हूं, इसका एक ही मतलब है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। जो आपसे बोल दे प्लान देखने के बाद सोचकर बताता हूं, आप पहले ही समझ लो इसका मतलब ये है उसको प्लान समझ में नहीं आया है। जब आपने प्लान दिखाया उस वक्त उसका दिमाग आपके साथ नहीं था, वो कहीं अलग घूम रहा था। फायदा क्या हुआ? टाइम पूरा दिया, एनर्जी पूरी लगाई, पैसा पूरा खर्च किया, रिजल्ट जीरो। लेकिन इसी की जगह पर यदि आप अपॉइंटमेंट लेके गए होते तो वो व्यक्ति मेंटली आपको सुनने के लिए तैयार होता और फिर आप उसको सुनाते, वो अच्छे से सुनता, आपके काम को समझता और फिर वो डिसीजन ले पाता। अच्छा एक बात बताओ, आप खुद मुझे बताओ, इस बात को समझने की कोशिश करो, क्या पैसा हर आदमी को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग से पैसा आ सकता है कि नहीं आ सकता? और काम की अपेक्षा डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा सेफ और अच्छा है या नहीं है? दूसरे काम में तो ज्यादा पैसा चाहिए, सेटअप लगाओ, दुकान खोलो, फर्नीचर बनाओ, परमिशन लो, ये करो वो करो, कितना सारा हेडेक है, नौकर रखो, डेली दुकान पे जाके बैठो, सोचो कितने चैलेंजेस हैं। और चलेगा नहीं चलेगा ये भी पूरी जिम्मेदारी खुद की, किसी दूसरे को कोई लेना देना नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में तो क्या है, आज आपने पैसे दिए, कल से अपलाइन तैयार है सिखाने के लिए, बताने के लिए, मदद करने के लिए। कुछ नहीं आ रहा है तो साथ में जाएगा, आपके पास बाइक नहीं है तो अपनी पे बिठा के लेके जाएगा। आप बताओ डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है आप लोग कर रहे हो या दुनिया का कोई दूसरा काम अच्छा है? डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है, फिर भी लोग डायरेक्ट सेलिंग करते क्यों नहीं है? सब अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, सबको पैसा चाहिए, स्टिल वो डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं सोच के बताऊंगा, आता है कि नहीं आता, देख के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, बीवी से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, भाई से पूछूंगा। ये बोलते कि नहीं बोलते लोग? क्यों बोलते हैं ये लोग, ये समझ लो आप, क्योंकि हमने उनको ये बोलने का मौका दिया है। क्यों मौका दिया? क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आया है। यदि उनको समझ में आ जाता ना तो वो ये बोलते ही नहीं। क्यों? उनको पैसा चाहिए, हम पैसा कमाने का जरिया दे रहे हैं, साथ में मदद करने को तैयार हैं, इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी कंफर्टेबल और वी आर देयर टू सपोर्ट देम, तो वो क्यों नहीं करेगा? ये तो पता है बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सब लोगों को बड़ी तेज भूख लगी है। सुनो आपको बड़ी तेज भूख लगी है और मैंने आप सबके सामने खाना रख दिया और आप खाना नहीं खा रहे हो। आपको बड़ी तेज भूख लगी थी फिर भी आप खाना नहीं खा रहे हो, क्यों? सोचो क्यों नहीं खा रहे हो? कौन बता सकता है? आपको बड़ी तेज भूख लगी थी, मैंने खाना ऑफर कर दिया, आपके सामने खाना रखा है, फिर भी आप खाना नहीं खा रहे हो, क्यों? आपको तो बड़ी तेज भूख लगी है ना, मैंने आपको खाना दे दिया तो क्या करना चाहिए फिर? यू शुड ईट द फूड। लेकिन बंटी गुर्जर जी क्यों नहीं खा रहे हो आप खाना? मैंने आपको खाना दे दिया तो खाना खाना चाहिए ना आपको, क्यों नहीं खा रहे? सर हम ये समझ रहे हैं कि वो खाना खराब है, उसमें कुछ मिला हुआ है या कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, हमें उस पर विश्वास नहीं है उस आदमी पर, इसलिए नहीं खा रहे। Exactly. या तो देखो मैं बताऊं खाना क्यों नहीं खाओगे आप, आपको बहुत तेज भूख लगी है, बंटी भाई को बड़ी तेज भूख लगी है और मैंने बंटी भाई के सामने खाना रख दिया और फिर भी बंटी भाई नहीं खा रहे। ऐसी सिचुएशन है, सबको पैसा चाहिए और हमने डायरेक्ट सेलिंग का पैसा कमाने का मौका सामने रख दिया और फिर भी लोग नहीं ले रहे, क्यों? यानी भूखे आदमी के सामने खाना रखा है वो खाना नहीं खा रहा है, जिसको पैसा चाहिए उसके सामने पैसा कमाने का मौका रखा हुआ है फिर भी नहीं ले रहा है वो, क्यों? समझो,
हो सकता है बंटी भाई को डायबिटीज हो, मैंने सब मीठा मीठा रखा है इनके सामने इसलिए नहीं खा रहे हो सकता है बंटी भाई वेजिटेरियन है, मैंने नॉन वेज रख दिया है। हो सकता है जिस बर्तन में मैंने बंटी भाई को खाना दिया है वो बर्तन बहुत गंदा है, उसको देख के फीलिंग ही नहीं आ रही है कि खाना खाना चाहिए। देयर मे बी मैनी रीजंस, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अदरवाइज तो आदमी को भूख है, तो यदि भूख है तो वो खाना क्यों नहीं खाएगा। अब यदि मैं बंटी भाई के हिसाब से एक साफ बर्तन में बंटी भाई को पूछ के, बंटी भाई आप क्या खाते हो, आप वेजिटेरियन हो आप नॉन वेजिटेरियन हो, इनसे पूछ के और फिर मैं इनको खाना परोस के दूं अच्छे से, तो खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे? डेफिनेटली खाएंगे, वो तो भूखे हैं। ऐसे ही सबको पैसा चाहिए, यदि आप उनको ये पैसा कमाने का मौका अच्छे से दे दो तो वो क्यों नहीं लेगा पैसा कमाने का मौका, वो क्यों नहीं करेगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। गलती सिर्फ यही होती है कि हम लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, हम लोग अपने तरीके से दुकान पे गए सामान लेने गए वहीं प्लान दिखाने लगे, उसके पास चार ग्राहक बैठे हैं हम उधर ही अपनी रामायण गाने लगे, कोई व्यक्ति है किसी के घर में कोई डिस्प्यूट चल रहा है हमने जाके बीच में अपना रॉबर्ट कियोसाकी समझाना चालू कर दिया, उनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा है हम बीच में रॉबर्ट कियोसाकी समझा रहे हैं, कोई अपने बिजनेस से परेशान है कोई अपनी जॉब से परेशान है हम उसको जाके माई लाइफ बताना चालू कर देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बताना चालू कर देते हैं। तो आप बताइए उसके दिमाग पे एक पिक्चर चल रही थी तो वो आपकी पिक्चर को कैसे देखे? अच्छा देखे और फिर डिसीजन ले। अब डिसीजन में भी आप उससे पूछे, देखो पीछे रामायण चल रही थी आपने उस पर जाके महाभारत लगा दिया, उसके ऊपर आपने चंद्रकांता लगा दिया, उसके ऊपर किसी ने जाके कोई दूसरी मूवी चढ़ा दी, अब आप उसको बोल रहे हो सीता कौन थी आपको पता है? अरे उसने देखी नहीं सीता कौन थी, उसके ऊपर तो चंद्रकांता आ रहा था। सेम सिचुएशन होती है, वो कस्टमर में बिजी था आपने जाके प्लान समझा दिया और फिर उससे बोल रहे हो चलो स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या बोलेगा? वो उसको पता ही नहीं है क्या करना है, तो बोलेगा भाई सोच के बताता हूँ। और आप बोलते हो मैंने तो एक घंटा समझाया, इतनी मेहनत की सर, मैंने ये किया मैंने वो किया, फिर भी उसने डिसीजन नहीं लिया। वो कई बार तो यदि वो आपके रिलेशन में होता है तो आप बोल देते हो चल तू आज से मेरा दोस्त नहीं, मैं तेरा दोस्त नहीं, संबंध खत्म। गलती खुद करते हो, थोपते दूसरे के ऊपर हो और फिर रिलेशन खत्म कर लेते हो। ये लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में और फिर कुछ दिन बाद बोलना चालू कर देते हैं अरे हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत लोगों, हमारे साथ तो कोई जुड़ा ही नहीं। अरे भैया तुम्हारे साथ क्यों नहीं जुड़ा, तुमने कभी पता ही नहीं किया, तुम्हें सिस्टम मास्टरी क्लास मिली ही नहीं, मिली होती तो कभी तुम गलती करते नहीं, फिर तरीके से प्लान दिखाते तुम्हारा रिजल्ट आता। तो ये जो इन्विटेशन है, ये इन्विटेशन विद एडिफिकेशन क्यों जरूरी है, समझ में आया आपको? व्हाई इन्विटेशन इज इंपॉर्टेंट, इन्विटेशन क्यों जरूरी है प्लान दिखाने से पहले, ये आपको समझ में आ गया। अब इन्विटेशन कैसे करना है, टाइम कैसे लेना है, अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करना है, ये सिखाऊंगा कल सुबह 5 बजे। तब तक के लिए इंतजार करते रहिए। इन्विटेशन कैसे करना है, नाटक देखते हो तो उसमें क्या है, सब कुछ आज ही थोड़ी दिखाते हैं, लास्ट में कल की सिर्फ फ्लैश दिखा देते हैं, कल का सिर्फ दिखा देते हैं थोड़ा सा कल क्या होगा, तो मैंने भी थोड़ा सा दिखा दिया। कल इन्विटेशन सिखाएंगे, तो जो जो लोग आएंगे वो इन्विटेशन सीखेंगे, उन्हें मैं अपॉइंटमेंट लेना सिखाऊंगा, ऐसा अपॉइंटमेंट लेना सिखाऊंगा कि वो आप जब जाओगे ना उनके पास तो उनका स्क्रीन एकदम वाइट एकदम खाली मिलेगा, बस जाके अपनी पिक्चर चलाओ और ज्वाइन कर लाओ उनको। तो ये कल होगा मॉर्निंग में 5 बजे। अभी हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे, आज शाम को 7 बजे से एडवांस ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप रहेगी, तो जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यदि लीडर बनना चाहते हैं तो। अभी कुछ लोगों के सामने एक सवाल आ सकता है, सर आपके जितने भी कोर्स हैं सबका पैसा देना पड़ेगा? हाँ वो तो देना ही पड़ेगा,
जितने कपड़े खरीदोगे बाजार से तो पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। अभी आप शर्ट लेने गए तो शर्ट का पैसा दो, जूता लेने गए तो जूते का पैसा दो, कैप लेने गए तो कैप का पैसा दो, पैसा तो देना पड़ेगा ना। लेकिन मैं आप लोगों के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, एक बार पैसा दो फिर जितने भी चीज लोगे सब फ्री। हमारी है ना एक मेंबरशिप है कम्युनिटी की, हमने एक मेंबरशिप दी हुई है, दो मेंबरशिप है, एक है 1 ईयर मेंबरशिप, एक है लाइफ टाइम मेंबरशिप। लाइफ टाइम मेंबरशिप में क्या है, जब तक आप 1 करोड़ रुपए कमाओगे तब तक मैं आपको सिखाऊंगा, आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगा, सब फ्री सीखते रहो, जितने भी कोर्सेज आएंगे सब फ्री, डेली आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, डेली 1-2 क्लास डेली आपकी चलती रहेंगी, कुछ नहीं पे करना, जितने भी कोर्सेज आएंगे किसी का कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 टाइम पे करना है। कब तक के लिए, जब तक आप 1 करोड़ रुपए कमाओगे तब तक के लिए। 1 करोड़ रुपए जब कमा लोगे उसके बाद तो फिर खुद ही आप अच्छे लीडर बन जाओगे, ट्रेनर बन जाओगे, फिर तो आप मेरे पास थोड़ी आओगे। तो जब तक के लिए आप फ्री। कोई व्यक्ति बोलता है सर मैं तो लगातार इतने दिन का तो मैं एक साथ तो नहीं दे सकता, हाँ मैं 1 साल का कर सकता हूँ, तो आप 1 ईयर मेंबरशिप भी ले सकते हो। 1 ईयर मेंबरशिप में क्या है, आपने मुझे एक बार पे कर दिया, अब आप 1 साल तक जितने भी कोर्स होंगे सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री रहेंगे। दूसरी चीज, जितने भी कोर्सेज हैं आप चाहो कितनी बार भी कर सकते हो। अभी जैसे सिस्टम मास्टरी क्लास चल रहा है, ये कंटिन्यू है, ये चलता रहता है, हर महीने चलता है, तो आप हर महीने आके रिपीट कर सकते हो फ्री में, आपको बार बार पैसा नहीं देना है। नॉर्मली भी यदि आप पकड़ोगे, यदि 2 क्लास भी महीने में करोगे आप, जबकि हमारी 2 नहीं महीने में 3-3 कोर्सेज हो जाते हैं। जैसे अब आप देखो, अभी हमारा चल रहा है सिस्टम मास्टरी मॉर्निंग में, इवनिंग में आज से स्टार्ट हो जाएगा एडवांस ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ दिन बाद स्पीकर वर्कशॉप जो संडे टू संडे चलता है, तो मालूम पड़ा 1 महीने में 3 क्लासेस हो गए, 3 कोर्स हो गए। 1 कोर्स का मिनिमम 500 भी पकड़ो तो 3 कोर्स का कितना हो गया, 1500। 1 साल का कितना हो गया, 18,000। लेकिन आप मुझे इकट्ठा पे करोगे तो आपको 1 साल का पे करना है सिर्फ 6,000। सोचो कितना इजी हो गया, मात्र 6,000, 1 साल का 6,000 पे करके 1 साल के लिए फ्री। लाइफ टाइम पे करोगे तो कितना पे करना है, 15,000, 14,999 लाइफ टाइम का। अब सोचो 14,999 पकड़ो तो वो 1 साल का भी नहीं हुआ। यदि वैसे आप मुझे दोगे हर महीने, यदि आप मुझे 1,500 रुपए दोगे तो सोचो 1 साल में उससे ज्यादा दे दोगे। लेकिन मैंने आपको 1 करोड़ रुपए कमाने तक फ्री कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 15,000 रुपए दिया एक, अब आप लगातार चुपचाप आते रहो, सीखते रहो, और उसमें भी 24/7 मेरा सपोर्ट ऑनलाइन सपोर्ट। आप बोलोगे सर आके मेरे लिए प्लान दिखाओ, तो वो नहीं कर सकता मैं आपके लिए, मैं आपको ऑनलाइन पूरा सपोर्ट करूंगा। आपको कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए मैं बैठा हूं, राइट ना। तो ये रहेगा, तो अब आप मुझे बताओ कैसा बढ़िया रहेगा, हर कोर्स का पैसा देना सही रहेगा या एक बार में दिया फ्री। और एक चीज और है, ये जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं ना, इनकी सीट पहले से बुक रहती है हर कोर्स में, इनको पहले सीट मिलेगी, बाद में किसी और को मिलेगी, पहले सीट हम इनको देते हैं जो लोग हमारे मेंबर्स होते हैं, उसके बाद में फिर और लोगों को सीट देते हैं। अभी देखो यहाँ भी हमारे कौन कौन मेंबर्स है, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ली हुई है। चंद्र सिंह वसावे हैं, राणा डे जी हैं, सुनील जी हैं, और हमारे मेंबर्स हैं, कई सारे लोग हैं जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है। तो आप लोग भी चाहो तो ये मेंबरशिप ले सकते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक ऑफर है, ऑफर ये है कि जो 6,000 की मेंबरशिप है 1 साल की, वो मेंबरशिप आज आपको मिलेगी 4,999 में। कितना पे करना है आज, 1 साल के लिए सिर्फ 5,000, 4,999 बस, यानी 18,000 का सिर्फ 5,000। और जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है वो यदि आप लोगे आज तो वो मिलेगी आपको 10,999 सिर्फ 11,000 में, जिसके लिए आपको 15,000 पे करना होता है। तो ये आज के लिए आप लोगों के लिए ऑफर है। तो जो 1 टाइम पे करके फ्री होना चाहते हैं साल भर के लिए, कि सर हम आपसे साल भर सीखना चाहते हैं, हमें आगे को कुछ टेंशन ही नहीं रहे, इसका एक पता है एक बहुत बड़ा फायदा होता है,
फायदा क्या होता है, कोई भी कोर्स आएगा तो आपको पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता है, आप सीधे आओ बैठ जाओ ट्रेनिंग लेना चालू करो। अदरवाइज तो क्या प्रॉब्लम आती है यार, पैसा देना पड़ेगा, पैसा नहीं है। एक बार व्यवस्था कर ली छुट्टी हो गई, अब आपको बार बार सोचना ही नहीं है पैसे के लिए, तो ये फायदा रहता है। तो पैसे की वजह से कभी कोई क्लास मिस नहीं होती। दूसरी चीज, आपको रिपीटेशन के अनलिमिटेड चांसेस हो जाते हैं। आप हर महीना देखिए, माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंगीठी में रहोगे ना तो कोयला बन के रहोगे, लाल रहोगे, अंगीठी से निकाल के डाल दोगे राख बन जाओगे। तो यदि आप माहौल में रहोगे तो आपके दिमाग में हर वक्त डायरेक्ट सेलिंग, हर वक्त डायरेक्ट सेलिंग चलता रहेगा। आप मोटिवेटेड रहोगे, आप एनर्जेटिक रहोगे, आप एक्साइटेड रहोगे, आप काम नहीं छोड़ोगे। और आप सोच के देखो, आप हमारे साथ यदि डेली एक दो क्लास में आओगे तो क्या लगता है आपका काम आसान होगा कि नहीं होगा? माहौल में रहोगे तो कैसा रहेगा सोचो आप। यस, कुछ पूछना चाहते हैं बंटी जी, बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हमने सर अभी दो कोर्स लिए हैं तो ये वाला उसमें ऐड कर सकते हैं क्या 4999 में? 4999 में आपका ये वाला जो है, ये जो सेकंड, ये जो दोनों जो कोर्सेज अभी आपने लिए, हाँ ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है सर, तो मैं माइनस कर दूंगा। अभी जैसे जिन लोगों ने ये दो कोर्स लिए, एक अभी सिस्टम मास्टरी का लिया और एडवांस ट्रेनिंग का लिया, आपने मुझे 1000 पे किया, तो अभी आप मुझे 4000 और पे कर देंगे तो आपका हो गया। ओके सर, ओके, आज हो जाएगा सर 4000 में कर देंगे। और जो व्यक्ति जो लाइफ टाइम लेना चाहते हैं, जैसे 11000 है, तो 11000 में से ये 1000 माइनस हो जाएगा, तो आपको 10000 पे करना है। ओके, जिसने सिर्फ सिस्टम मास्टरी का दिया है उसका 500 माइनस हो जाएगा, जिसने एडवांस ट्रेनिंग का भी दे दिया है तो उसका 1000 माइनस हो जाएगा, यदि जो आपने मुझे दिया वो माइनस हो जाएगा, ये भी उसी में ऐड। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, गायकवाड़ जी कुछ पूछना चाहते हैं? भानु जी, गायकवाड़ जी, बाबा साहेब गायकवाड़ अनम्यूट कीजिए। हेलो जी, बोलिए सर। मैं ये पूछना चाहता था, हाँ जी, कि ये जो कोर्सेस है वो पूरा मतलब 1 साल का कैसे बताया आपने और लाइफ टाइम का बताया जी? एक्चुअली अभी मैं तो नया हूँ ना सर। ओके, हाँ, तो इतना पेमेंट तो है ही नहीं मेरे पास, तो ये थोड़ा लेट करेगा तो चलेगा क्या? नहीं कोई बात नहीं, फिर तो आप चल ही रहा है ना, फिर तो आप एक एक कोर्स का देते जा रहे हो, आप कोर्स करते जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। हाँ वही ना, फिर तो आप हर कोर्स का देते जा रहे हो, कोर्स करते जाओगे। अभी एडवांस ट्रेनिंग आज से स्टार्ट हो रहा है, अभी आगे स्पीकर वर्कशॉप स्टार्ट होगा, फिर एडवांस स्पीकर वर्कशॉप है, फिर मल्टीप्लाई सेल्स है, सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। मेरे पास 26 कोर्सेज है, 26 एडवांस का भी मैंने पे किया है सर। मेरे को अभी यदि आप चाहो तो आज 4000 और पे करके 1 साल के लिए फ्री हो सकते हो आप लोग। 1000 आपने पे कर दिया, 500 आपने एडवांस ट्रेनिंग का दे दिया, 500 आपने सिस्टम मास्टरी का दे दिया, अब आप 4000 और दे के 1 साल के लिए फ्री हो सकते हो। ओके सर, ओके, है ना। और यदि इकट्ठा नहीं दोगे तो जितने भी अब आगे को जो कोर्सेज रहेंगे उन कोर्सेज का पर कोर्स के हिसाब से पे करते रहोगे तो आगे को भी चलता रहेगा। लेकिन 18000 का काम आपका सिर्फ 5000 में हो रहा है, इतना सिंपल समझो, यदि आप 1 साल का भी करते हो। और एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मेरे साथ आपका 1 पैसा भी वेस्ट नहीं जाएगा। क्यों योगेश भाई, योगेश पटेल जी, हाँ, ये आपको समझ में आया कि नहीं कि मेरे साथ आपका 1 रुपया भी जो लग रहा है वो वेस्ट उससे नहीं जाएगा गुरु जी। वैल्यू आप 1 साल का मेरे को करना है, कल 4000 पे कर दूंगा तुमको। दैट्स गुड, कल नहीं, ऑफर सिर्फ आज के लिए चाहिए, आज के तो आज शाम तक पहले हो जाएगा। कल 5 के पे करना पड़ेगा, आज 4999 आज का ऑफर है ये। नहीं आज शाम तक पहले कर दूंगा, शाम तक कर लीजिएगा। तो जिन जिन लोगों के मेरे को क्या है गुरु जी, एक साल में जो मेरे को पूछना है ना, वो सवाल तो मेरा इतना मस्त है ना, इसमें से मेरे को खाली 3 सवाल सीख जाऊंगा ना तो भी 100% 4000 मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर और एक चीज समझ लो, यदि आपके पैसे बेकार गए तो मुझसे ले लेना, उस बात की मेरी गारंटी है। नहीं नहीं, पैसा की गारंटी नहीं, पैसा वापस ले जाओ, पैसा बड़ी बात नहीं, पर जो सीखना है ना वो बहुत बड़ी बात। यस, बहुत सुंदर।
तो इसीलिए ये मैंने आप लोगों को ये ऑफर दे दिया है, बता दिया है, जिससे कि बाद में आप लोगों को ये ना लगे साहब ने बताया क्यों नहीं था, हम तो कर लेते, हम तो 18,000 क्यों पे करते, हम तो 5,000 में नहीं, काम नहीं, नहीं, नहीं। तो इसलिए सब कोई बड़ी बात है, जो सीखना है वही बड़ी बात है बस। दैट्स गुड। चलिए तो मुलाकात होगी आज शाम को 7 बजे एडवांस ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप में। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।